इन दिनों एक घातक बीमारी फैली हुई है जिसे आई फ्लू कहा जाता है। शहर के वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कपिल खुराना ने जानकारी देते हुए बताया, इन दिनों आई फ्लू फैला हुआ है। हर वर्ष ये फ्लू आता तो है, लेकिन इस वर्ष कुछ घातक ये फ्लू है, क्योंकि इसमें आंख लाल हो जाती है, आंख से पानी आता है, कीचड़ आता है, साथ ही आंखों में दर्द भी होता है। उन्होंने लोगों से सावधानी बरतने की भी बात की है। अगर बच्चों को आई फ्लू है तो बच्चों का स्कूल जाना बंद कर देना चाहिए, 3 से 4 दिन में वह सही हो जाता है। अगर वयस्क लोगों में यह फ्लू पाया जाता है तो वह आंखों में चश्मा लगाएं, ठंडे पानी का उपयोग करें, साथ ही सावधानी बरतें, किसी से मिलें जुले नहीं। उन्होंने लोगों को हिदायत दी है कि बरसात के मौसम में इस तरह के फ्लू की संभावना अधिक बढ़ जाती है। इस समय पर आई फ्लू या वायरल कंजंक्टिवाइटिस कहना चाहिए, जिसमें मरीजों को लाल आंख होना, कीचड़ आना, आंसू आना अमूमन देखने को मिल रहा है, तो ये कॉमनली बहुत ज़्यादा इस समय पे फैला हुआ है। और वैसे तो हर साल इसका यही सीज़न होता है, खासकर जब बारिश होके हटती है तो उस समय ये वायरस एक्टिव हो जाता है और एक दूसरे में ये फैलने लगता है। तो ये आई फ्लू ही है और इसमें हमें काफ़ी उपाय करना चाहिए। क्या लक्षण रहते हैं इसके स्टार्टिंग से? इसमें जो मेन व्यक्ति को सिम्टम आता है या लक्षण आता है, वह आँख में दर्द होना, आँख में किरकिराना या कंकड़ जैसा चुभना, लाल होना, कीचड़ आना, आंसू आना, और किसी किसी व्यक्ति में सर्दी जुकाम बुखार के साथ भी यह देखा गया है। पहले एक आँख आती है और अक्सर बाद में दूसरी आँख भी आने की संभावना रहती है। सावधानी किस तरीके से? इसमें जो मेन सावधानियाँ हैं वह मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। पहला उपाय तो यह है कि जिसको भी घर में होता है तो उसको घर में थोड़ा सा अलग रहना चाहिए, दूसरों के कांटेक्ट में वह कम आए, क्योंकि यह आई फ्लू देखने से कभी नहीं फैलता, छूने से या कांटेक्ट में हाथ मिलाने से यह अक्सर फैलता है। तो इसमें आपको हाथ को बार बार सैनिटाइज करते रहना है जिसको भी आई फ्लू होता है। काला चश्मा, गॉगल्स दिन भर लगा के रखना चाहिए और ठंडे पानी से या बर्फ़ से सिकाई दिन में 3 बार बहुत ज़रूरी है। और अगर किसी बच्चे को घर में हो जाता है तो उसको कम से कम 5 दिन के लिए स्कूल से आपको छुट्टी दिलाना ज़रूरी है, ताकि वह दूसरे बच्चों को स्प्रेड ना कर पाए।